हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी एक अपकमिंग वैकेंसी है, उसकी न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, फैल रही है। इसका रीज़न क्या है और वह वैकेंसी कौन सी है, यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ सिविल जज एग्जामिनेशंस की। यस, छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशंस 2024 के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ। अब यहाँ पर क्या इसका नोटिफिकेशन बाहर आ गया है? नहीं, यहाँ पर नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है, बट एक ऑफिशियल अपडेट मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि यह जो ऑफिशियल अपडेट है, यह जो ऐलान है, वह आया है डायरेक्ट CMO से। यस, अब यहाँ पर ये जो ऑफिशियल अपडेट आई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पर हमने देखा कि जब बजट पास होता है छत्तीसगढ़ में, जब बजट पास होता है, तो वहाँ पर जुडिशरी के लिए इतनी सर्विस, जुडिशरी सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर बजट के में दिखाया जाता है कि इतनी वैकेंसीज जो है बहुत जल्दी आने वाली है। और उसके बाद में, बजट के बाद में जब है हमारे सामने, जब ये नोटिफिकेशन आता है, जब ये ऑफिशियल अपडेट आती है CMO की तरफ से, तो वहाँ पर हमारे लिए यह चीज़ पुख्ता हो जाती है कि यस, अब हमें जो है बहुत ही जल्द यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिविल जज एग्जामिनेशंस देखने को मिलेगा। और उसके साथ में न सिर्फ सिविल जज एग्जामिनेशंस की हम बात करेंगे, साथ ही जो जुडिशरी रिक्रूटमेंट हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स लेवल का रहेगा, जुडिशरी ऑफिसर्स के लेवल पे रहेंगे, जो स्टेनोग्राफर्स है उनकी पोस्ट आएगी, और उनके अलावा काफी सारी जो जुडिशरी की पोस्ट होती है वो यहाँ पे अनाउंस करी है। अब बात करेंगे, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी है, इसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं। अभी हाल जो है जुलाई 2024 में यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी हुए थे, यहाँ के जो एग्जामिनेशंस है उसके सर्विस रूल्स के अंदर जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उन अमेंडमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें जो है एड ऑन हुई है। यहाँ पर चीज़ें क्या ऐड हुई है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अंदर चीज़ें ऐड हुई है, साथ ही यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है। अब सिलेबस चेंज में नया सिलेबस है या पुराना सिलेबस है, यह भी है। तो इसमें है कि ऑफ कोर्स हमें जो है अब जुडिशरी धीरे धीरे जो है इंट्रोड्यूस करवाने लग गई है। जो भी नई जुडिशरी आ रही है, वह हमें नए लॉज के साथ मिल रही है। अब जैसे हम देखना, ये देखा अभी हमने कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो है, वह भी नए लॉज के साथ इंट्रोड्यूस हुई है। AIBE 19 जो भी इस बार दे रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको ओल्ड लॉज के साथ में नए लॉज भी पढ़ना है। तो ये जो पर्पस है हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज के, जितना जल्दी हो सके जुडिशरी में ऐड हो रहे हैं। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर इसी जुडिशरी के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट से यहाँ पे ये है जो वैकेंसीज है अनाउंस करी गई है, कितनी वैकेंसी किसके लिए अनाउंस करी गई है, और साथ ही बात करेंगे जो अमेंडमेंट्स है उसके अंतर्गत क्या है, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, एलिजिबिलिटी में क्या चेंजेस आए हैं, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया है कि यहाँ पर जो ये बजट पास होने के बाद में, क्योंकि बजट में जब है इसके बारे में ऐलान किया गया था, और उसके बाद में अब किस इसके अंतर्गत ही यह जो वैकेंसी है वह अनाउंस हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि वित्त विभाग के द्वारा यहाँ पर विधि विभाग के लिए जो लो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए 362 जो पोस्ट है, 362 बहुत ह्यूज पोस्ट में यहाँ पर आई है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशंस भी किए गए हैं, वर्गीकरण भी किए गए हैं पोस्ट के, कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर सिविल जज एग्जामिनेशंस जो है उसके लिए भी हमें यहाँ पे 57 पोस्ट बताई गई है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं, लेकिन एक अच्छी जो पोस्ट आई है, एक अच्छी वैकेंसी आई है सिविल जज एग्जामिनेशंस के लिए आई है। और उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट या जो नंबर्स ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिविल जज एग्जामिनेशंस के बारे में बताया। उसके अलावा जो है स्टेनोग्राफर है, और उसके अलावा सहायक ग्रेड है, और उसके साथ बहुत और भी वैकेंसीज जो कि जुडिशरी से लिंक रखती है वहाँ उसके पोस्ट है। टोटल 362 पोस्ट के अंतर्गत यहाँ इसको शामिल किया गया है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है कि यहाँ पर जो ये इतनी पोस्ट आई है, इतनी विभिन्न विभिन्न पोस्ट पर आई है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट रीज़न है कि जुडिशरी के जो भी काम होते हैं ना, वो
फास्ट हो, मतलब कि अब जितने हम पोस्ट, अगर जो जितने रिक्त पद पड़े हैं, अगर वह रिक्त पद जो रहते हैं अगर उनको भर दिया जाता है, वहाँ पे हम जो है वैकेंसी के थ्रू उनको भर दिया जाता है, तो वहाँ पे जो काम करने की जो एफिशिएंसी होती है ना वह बढ़ जाती है। तो मेन इसके पीछे का पर्पज यही है कि जुडिशरी के जो काम है वो फास्ट हो। दूसरा क्या रहती है कि न्यायालय की जो दक्षता बढ़ेगी यहाँ पे। और तीसरा जो रहता है ना कि नॉर्मली है कि अगर यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंस होती है तो जो बेरोजगार हमारे युवा है उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ये जो मेन पर्पस रहते हैं इसके पीछे बताए गए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं वह उनके स्टेजेस क्या रहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिविल जज के एग्जामिनेशंस के लिए टोटल 3 स्टेजेस से हमें गुजरना होता है। दैट इज प्रीलिम्स हमारा होता है, मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, और वहां पे क्वालिफाई करने के बाद जो है हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और जो है पोस्टिंग दे दी जाती है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स में भी चेंजेस हुए हैं, प्रीलिम्स में क्या चेंजेस हुए वह बताऊंगी। साथ ही ये एग्जाम, इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास जो है पात्रता है या नहीं है, पहले इसकी पात्रता क्या हुआ करती थी और अब जो है क्या चेंजेस आए हैं अमेंडमेंट के बाद से। पिछले 2 महीने के बाद से यहाँ पे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर वह अमेंडमेंट के थ्रू क्या आप एलिजिबल है या नहीं है ये भी देखना होगा। साथ ही जो सिलेबस है नया तो होगा ही, इसके साथ ही एक जो सिलेबस है वह भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इससे पहले यहाँ पे वह सिलेबस नहीं हुआ करता था, और वह जो सिलेबस है आउट ऑफ लॉ का है, मींस कि यहाँ पे जनरल नॉलेज जो है वह भी ऐड हो चुकी है। मेनली आपको यहाँ पे स्टेट का जनरल नॉलेज जो रहेगा वो पूछा जाएगा, तो जो भी लोकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए बेनिफिट भी रह सकता है कि यहाँ से वह एक अच्छा स्कोरिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही ये है कि क्या इस एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स आके दे सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे यह जो जुडिशरी सभी को इनवाइट करती है, तो यहाँ पर यह भी चीज बताई गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी पात्रता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर एनरोलमेंट आपसे मांगा गया है। अभी पहले जब हम पहले के नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहां पर आपको इस एग्जामिनेशन में फॉर्म फिलअप करने के लिए सिर्फ एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के से आपके पास लॉ की डिग्री होना ही अनिवार्य माना जा रहा था। अब जो है आपका एनरोलमेंट आपको दिखाना है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट मांगा है। अब क्योंकि यह जो हमारे सामने ऑफिशियल अपडेट है, तो आने वाले टाइम पे अक्टूबर और नवंबर तक हमारे सामने जो है नोटिफिकेशन भी आने वाला ही है, और जब भी नोटिफिकेशन आता है उसकी लास्ट डेट तक आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। इस तरह के पॉइंट्स भी हमारे सामने आने ही है, तो आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी कि अगर जिस किसी ने भी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और जिसने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो वह एज सून एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जरूर करवाइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एनरोलमेंट दिया नंबर मिलेगा, और वह एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना होता है जब आप छत्तीसगढ़ जो सिविल जज एग्जामिनेशन है इसके फॉर्म फिल करोगे। वहां पर बिना एनरोलमेंट के आप जो है इसको फिल नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका की लॉ कंप्लीट है होने वाला है, तो वह अब ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज यह भी हो गई है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो भारी भरकम 1000 में फीस लगती थी वह एकदम से कम हो चुकी है। तो अभी जो है सोचना है ही नहीं, आपको सिंपली जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाया जाता है वह स्टेप के आधार पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए एक इजी वे मैं बता देती हूँ कि इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहां पर कि आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करवाना होता है। हाँ, उस वीडियो वह जो वीडियो है वो थोड़ा पुराना है, वहां पे जो फीस है आप उसको अमेंड कर दीजिएगा। मीन्स की जो प्रोसेस है तो सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो फीस है वहां पे 17-18,000 इस तरह से मैंने बता के रखी है। अब क्योंकि सेम हो चुकी है पूरे स्टेट के लिए, ये जो निर्देश है बीसीआई ने और पूरे स्टेट बाद में दे दिए हैं कि यहाँ पे जो फीस है वह सेम रहेगी। पहले राजस्थान की कुछ और फीस हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ की कुछ और हुआ करती थी, और बाकी जो स्टेट्स है वह भी अपनी अलग अलग एक स्टेट बार की एक जो फीस रहती थी रजिस्ट्रेशन के लिए लेते थे। अब जो है सबके लिए सेम कर दी है, और यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपकी 750 रुपये से भी कम फीस यहाँ पे लगने वाली है। प्रोसेस आपको उस वीडियो में बहुत इजीली आपको आइडिया लग जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात।
अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे प्रीलिम्स में जो है सिलेबस ऐड हुआ है, वह क्या है, पहले हमारे पास प्रीलिम्स में 15 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें कि अब जो है 16th सब्जेक्ट के रूप में जनरल नॉलेज ने यहाँ पे अपना स्थान ले लिया है। तो अब जो है आपको जीके भी यहाँ पर पढ़ना होता है। उसका वेटेज क्या रहेगा, वह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें आइडिया लगेगा। बाकी मेन्स और इंटरव्यू में कोई भी चेंजेस अभी तक हुए नहीं है, और जो है नया सिलेबस तो वह भी हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे हमें पूरा कंफर्म हो जाएगा। बाकी नए सिलेबस तो नॉर्मली है हमारे पास सामने हमें मिलने वाले ही है। तो यह थी एक ऑफिशियल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे छत्तीसगढ़ के CMO की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट हो चुकी है। आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है अपकमिंग जुडिशरी के तौर पे हम देख रहे हैं, और बहुत जल्द हमें ये मिलने वाला है। कुछ अमेंडमेंट्स बताए हैं, तो उन अमेंडमेंट से जो जरूरी अमेंडमेंट है तो उसके लिए यही है कि जिन किसी का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हुआ है और जिनके पास उनकी अपनी LLB की डिग्री है, तो वह अपनी LLB की डिग्री का यूज कीजिए और एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि भाई अगर आपको छत्तीसगढ़ में जज बनना है तो उसके पहले आपको वकील बनना जरूरी है, बिना वकील बने आप जज बन ही नहीं सकते हैं। तो ये कन्फर्म वाली चीज है। बाकी इसके सिलेबस में और क्या चीज ऐड हो रही है और क्या चीज आने वाली है उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे इस चैनल के थ्रू जो है अपडेट देती रहूंगी। आपको करना क्या है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इस चैनल पे आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो रिसेंट अभी जितने भी अपडेट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी क्वेरीज है, आप इस चैनल को विजिट कीजिए। आपको यहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वह मिलेगी। होपफुली ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो को शेयर भी कर देना। Till then, thank you so much.